कृष्णा सुदेश ला रहे हैं म्यूजिक का महा मुकाबला. प्लीज वेलकम सीजन 2 के सुमांश कृष्णा एंड सुदेश. अरे देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान. मुकाबला भी जान तो रखनी पड़ती है. कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान. शेखर जी आप तो जानते संगीत के प्रोग्राम में डर बड़ा लगता है. चाहे मेरा मुकाबला आज लता जी के साथ है फिर भी मेरा दिल धड़क रहा है. सबसे पहले तो आप सभी लोगों को लता दीदी का नमस्कार. दीदी आवाज नहीं निकलती. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरा आपके साथ मुकाबला हो रहा है. अब तो मैं हार भी जाऊं चाहे जीत जाऊं मुझे कोई डर, मुझे आशीर्वाद दो मैं ही जीतू. आशीर्वाद से पहले ये बताओ तुमने कभी किसी को हराया है? हराया मैंने कुमार शानू के साथ गाया घर पे बिठा दिया. शबीर कुमार जी के साथ गाया घर पे बिठा दिया. विनोद रिठौर के साथ भी मैंने गाया उसको घर पे बिठा दिया. अगर ऐसा ही है तो कभी हिमेश के साथ भी गाओ. मैं उनके साथ हीरोइन नहीं आऊंगी, उनको घर पे नहीं उनको गांव में भेजना है. देखो तुम्हारे में इतना टैलेंट है कि तुम्हें तो अभी तक स्टार बन जाना चाहिए था. दीदी घर की मजबूरियां, मैं अकेली जान और मुझे जान जान कहने वाला पूरा मोहल्ला. कभी खुशी कभी गम. मैं अकेली माँ और मुझे बनाने वाले पांच पांच. कभी खुशी कभी गम. मैं अकेली औरत और मुझे बीवी कहने वाले पांच नहीं 500. कभी खुशी कभी गम. दीदी आप तो जानते हैं मेरा पति लेरी बॉम्बे में पूरी तरह कंगाल हो गया. 3 साल हो गए मुझे मां बने को. बस दीदी आपने इतना गा दिया ना मेरे लिए, इतने काफी. मैं खुद अपनी हार मानती हूँ. देखो ख्याली बनने की कोशिश मत करो. मुकाबला करने से पहले ही हार मान रही हो. दीदी मान जाओ फिर मैंने गा दिया फिर आप मुझे हरा नहीं पाओगे. मैं जा रही हूँ. इसका हाल देख के तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है. ए कॉमेडी सर्कस के जजों जरा आँख में भर लो पानी, जो गरीब हुए नाम जीतू रहो बेटा. जैसे कि आप सब जानते हैं कि दो ही तबला वादक जो हिंदुस्तान में फेमस हुए हैं, एक जाकिर सैन और सुरेंदर.
दैट्स ट्रू। अरे आज मेरा सुरेंद्र से ही मुकाबला है और इसे मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूँ। इस मुकाबले में आज तो यहाँ पे आके करना पड़ेगा, आ जाओ। पानी चाय पी रहा हूँ। अरे यार मुझे क्यों बजा रहे हो, मैं तबला थोड़ी हूँ, तबला बजाने वाला। हेलो जीतन, जैसे आप जानते हैं ये तबले का मेरा जो मुकाबला हो रहा है, मेरा मुकाबला वो मैं ही जीतूंगा, तालियां। हेलो चलो आ फिर बैठ के जीतो, बैठ जाओ। धा तिन तिन ना ता तिन तिन ना थोड़ 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 थोड़। देखो संगीत में तुम कॉमेडी नहीं कर सकते। अरे क्या बात कर रहे हो, हम रोज कॉमेडी में संगीत करते हैं। देखो मुकाबला करना है तो ढंग से करो, ये देखो धागे तिरकिट तू ना कत्ता, धागे तिरकिट तू ना कत्ता, धागे तिरकिट मैं ना कुत्ता, धागे तिरकिट मैं ना कुत्ता। सुरेंद्र तुम मुझे लाइटली ले रहे हो, ये संगीत का मामला है, मैंने उन उस्ताद लोगों के साथ बजाया जिनका कभी भी सुर गलत नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे बजाता हूँ, धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट तू ना करता। और मैंने उन उस्ताद लोगों के साथ बजाया जिनका सुर कभी सही नहीं लगता। तुमने इन लोगों के साथ बजाया है तो मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं चलता। पाजी मैं जीत गया, पाजी मैं जीत गया, तालियां बजाओ, मैं जीत गया, मैं जीत गया। खैर संगीत का माहौल बना है और कुछ सुरीले लोग भी बैठे हैं, रहते भी आए हैं, और आप सोचेंगे कि मैंने आपको कुछ सुनाया नहीं, लेकिन मैं सुना के जरूर जाऊं। कौन हो तुम? सर मैं डॉली एयरोस्टिस। पर ऐसे क्यों आ रही हो? सर ये लोग मेरे को बहुत लेट पेमेंट देते हैं, तो मैंने सोचा अब मैं लेट के ही आऊंगी, और अगर तुम लोगों ने मेरी पेमेंट नहीं दी ना तो फिर मैं लेट के ही परफॉर्म करूंगी, बोल देती हूँ। हाँ जैसे तुम लेटी हुई हो, लगता है मैं भी लेट हो जाऊंगा, मुझे माफ कीजिए, मैं चलता हूँ, हार गया मैं, हार गया। अरे कौन हो आप? उदित जी। जीते रहो बेटा, मम्मी को फोन कर दो, मैं थोड़ा लेट आऊंगा मुकाबले में। ओके पापा। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ जिससे मेरी शादी होगी, आज मैंने वो लड़की
ढूंढ ली है। सर आपने अपने लिए तो लड़की ढूंढ ली, सर आपके बेटे के लिए मैं कैसी रहूंगी सर? तुम तो उसके लिए ठीक रहोगी लेकिन वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, मुझे पता है। मैं जानती थी आदित्य, यू हैव डिस्ड मी। मैं जानती थी तुम्हारे पापा मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे इतने महान कलाकार आए, तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो गया, हार के चले गए। लेकिन अब हम उस महान कलाकार को बुला रहे हैं जिनके ना तो कोई सुर हिला सकता है ना उनकी हैसियत। हम सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो आइए मिलते हैं उन कलाकार से। मिला सुर मेरा तुम्हारा हो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में हलके मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। लगता है रोहित अर्चना, इट वॉज अ फैबुलस एक्ट एंड आई एम सो प्राउड दैट मैं शो में हूँ और मुझे आप जैसे एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने मिला, आप जैसे लोगों को जानने का मौका मिला। आई एम रियली थैंकफुल टू कॉमेडी सर्कस। थैंक यू सर, थैंक यू। कृष्णा आपका जो लता जी थी वाज एब्सोल्युटली सो अनएक्सपेक्टेड। मैंने पहली बार देखा लता जी। एंड सुदेश आपने जितने भी कलाकारों की आवाज़ें निकाली हैं एंड जो उनकी नकल की है, आई मीन रियली वर्ड्स फेल मी, यू डिजर्व द डांसिंग एंड सिंगिंग हिप्पो। डांसिंग एंड सिंगिंग हिप्पो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। शेखर, कॉमेडी का अगर कोई सुर ताल लय है तो उसे सिर्फ आप दोनों ही बखूबी समझते हैं, सुर को भी ताल को भी और लय को भी। आदित्य, मैं आ गया कॉमेडी सर्कस में, मैं आ गया हूँ हंसने, सुदेश और कृष्णा स्वप्निल और VIP के एक्ट देख के मचता है शोर, वंस मोर एंड दैट्स रियली हाउ आई फील फॉर बोथ ऑफ यू गाइस। अब बारी है स्कोर्स की। 10 points. Thank you. Obviously, 10 points again. Full score.